हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप योनो SBI ऐप को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ID होनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर ATM कार्ड मौजूद होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसको जो एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। Please click on subscribe and hit the bell icon to receive our updates. तो सबसे पहले हम जो है योनो SBI को ओपन करेंगे, योनो SBI ऐप को ओपन करेंगे। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग ID मौजूद होनी चाहिए या SBI का ATM कार्ड मौजूद होना चाहिए, तभी आप इसके लिए रजिस्टर कर पाएंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे, इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये ओपन हो गया और हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू टू SBI और एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है क्योंकि हम जो है SBI के एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर हम न्यू टू SBI करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमें खाता खोलना पड़ेगा, तो वो यहाँ से नहीं खुलेगा, ब्रांच से खुलेगा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग ID है। तो अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो हम अपने SBI की इंटरनेट बैंकिंग ID से योनो ऐप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है और हम नो पे क्लिक करते हैं तो हम अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करके योनो ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम नो पे क्लिक करके आपको दिखाएंगे। वैसे मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग ID मौजूद है तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है रजिस्टर फॉर योनो विद माई ATM कार्ड। तो आप अपने ATM कार्ड के ज़रिए भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मौजूद है और जिनके पास मौजूद है वो यस पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जिनके पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग ID मौजूद नहीं है, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप जो SBI की इंटरनेट बैंकिंग ID को कैसे पा सकते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग को। तो उसके लिए मैं नई वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी। तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, मुझसे पूछा जा रहा है यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड है। तो मतलब कि वही मेरा जो यूज़र नेम है इंटरनेट बैंकिंग पे, वही यूज़र नेम उससे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसको यूज़र ID भी बोलते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है मुझसे, तो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद रेफरल कोड है, वो तो ऑप्शनल है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबमिट पे उसके बाद क्लिक कर दीजिए। आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है हमसे MPIN जनरेट करने को कहा जाएगा। तो MPIN यहाँ पे मैं जनरेट कर ले रहा हूँ। ये देखिए कुछ कंसेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपसे कुछ कंसेंट मांगा जा रहा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। हाँ, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी हैं, जो भी है पॉलिसी वॉलिसी सब, उसको एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप जो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपना MPIN जनरेट करना होगा। तो ये जो MPIN सिक्स डिजिट का होता है, तो इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा तो बस यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मुझे एक OTP आएगा। तो मुझे OTP मिल गया है, तो मैं ये वो OTP यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। OTP डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है बन गया है अकाउंट, मतलब अकाउंट के मतलब रजिस्टर हो गया है योनो, और अभी ये एक्टिवेट हो गया। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप उससे भी बना सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बस एक बार ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। मुझे अपना MPIN यहाँ पर डालना होगा, तभी मैं लॉगिन कर पाऊँगा। मैंने यहाँ पर अपना MPIN डाल दिया और मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट है। वैसे मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, मतलब बैंकिंग कर सकता हूँ और इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, शॉपिंग भी कर सकता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको इन सब के बारे में नहीं पता उनको वीडियो शेयर करके जानकारी दीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।